बच्चों की एडुकेशन को लेके बहुत लोग इस क्वेरी को लेके मेरे पास आते हैं, जो बहुत परेशान है कि बच्चों की एडुकेशन कैसी होगी। कि एडुकेशन एक बहुत सीरियस मैटर है और एज पेरेंट्स हम सब वरिड होते हैं कि बच्चे आगे उनका फ्यूचर कैसा होगा। कई बच्चे थोड़े वीक होते हैं, कई बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते, कई बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते कि हम नहीं मन नहीं लग रहा पढ़ने में। ऐसा नहीं पढ़ना नहीं चाहते पर मन नहीं लगता पढ़ने में। तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि क्या करें। हम वास्तु में देखते हैं कि जो पढ़ाई का जोन है वो है वेस्ट साउथ वेस्ट। उस जोन में अगर आपका वॉशरूम आ जाता है वेस्ट साउथ वेस्ट में, तो वो डिस्पोजेबल डिस्पोज हो जाती है, यानी कि बच्चा जो भी पढ़ेगा उसे याद नहीं रहेगा। वो कहेगा मैं एग्जाम देने तो गया पर कुछ याद नहीं आया। अगर हमने उस जोन में गलती से कहीं डस्टबिन रख दिया तो बच्चा क्या करेगा, कोई भी काम की चीज उसे याद नहीं होगी, वो सारी चीजें डस्टबिन में कचरे में चली गई। तो इन दो जोन में हमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है वेस्ट साउथ वेस्ट में। गलती से भी ना वॉशरूम आए ना डस्टबिन रखा हो। वॉशरूम तो हम नहीं हटा सकते, उसकी हमें रेमेडी करनी पड़ती है, पर डस्टबिन हम श्योरली हटा सकते हैं। अब आपको एक चीज और भी देखनी है कि क्या इस जोन में कहीं फायर तो नहीं आ गई, कहीं किचन तो नहीं आ गया। तो क्या होगा, बच्चे का मन हमेशा अग्रेशन में आएगा, गुस्सा रहेगा, उसका मन नहीं लगेगा, रेस्टलेस हो जाएगा। तो हमें वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर हो सके तो हम उसकी स्टडी टेबल लगा दें। अगर हम स्टडी टेबल लगा देते हैं तो बच्चा वहां बैठ के पढ़ेगा, उसके अपने आप मन करेगा पढ़ने का। अगर हम वहां पे टेबल नहीं लगा सकते फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप एक छोटा सा पेन स्टैंड ले लें और पेन स्टैंड को वहां पे रख दें। उससे भी हमें क्या होगा, बच्चे की पढ़ने में रुचि बढ़ेगी, वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। पेन स्टैंड भी नहीं रख सकते तो उसकी जो भी बुक्स हैं वो वहां पे रख दीजिए, क्योंकि वो जोन जो है वो सरस्वती माता का जोन है, उससे हमें कनेक्ट करेगा, बच्चे को अपने आप कनेक्शन बैठेगा। अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, सीए हो गया, आईएएस के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव कैट के लिए, कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहा है, तो आप उसे बोलिए कि आप नॉर्थ में पढ़िए, नॉर्थ में बैठ के पढ़िए, तो उसके जो है अपॉर्चुनिटी आएंगी, उसके लिए रास्ते खुलेंगे। बुक्स आप चाहे तो वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दीजिए, और जब पढ़ाई करे तो वो नॉर्थ में बैठ के करे। अगर सपोज वेस्ट साउथ वेस्ट में आपने देखा कि वहां पे टीवी आ गया, तो बच्चे का हर टाइम मन करेगा कि मैं टीवी देख लूं, कार्टून देख लूं। वहां पे आपने मोबाइल फोन चार्जिंग पे लगा दिया तो उसका सारा दिन टाइम मोबाइल फोन पे ही निकल जाएगा। तो पहले आप अपने घर का वेस्ट साउथ वेस्ट चेक करिए कि वहां पे क्या रखा है, और उसे हटा के ये चीजें वहां पे रखिए, तो देखिएगा कि आपको बहुत फायदा मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सबके संग सबकी परेशानी दूर करिए। स्टे होम स्टे सेफ। नमस्कार।